बुधवार को ऑनर किलिंग के एक मामले में माता पिता ने बेटी ममता के घर जाकर अपनी मौजूदगी में ही दामाद अमित की गोली मारकर हत्या कर दी। वे दोनों एक युवक को अपने साथ लेकर ममता के घर पहुंचे थे, पिस्टल से फायर किए, जो गोलियां उसके लगी अमित के, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। थोड़ी देर बाद में डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। ममता ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। इस बात से उसके पूरे परिवार वाले खफा थे। हालांकि कुछ महीनों से घर वालों से बातचीत होने लगी थी। इसकी वजह यह थी कि ममता 6 महीने से प्रेग्नेंट थी। ऑनर किलिंग की इस घटना में जान गंवाने वाले 29 साल के अमित नायर केरल के रहने वाले थे और जयपुर में प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। उन्होंने 28 साल की ममता से 2012 में प्रेम विवाह किया था। ममता के पिता जीवन राम आर्मी में ड्राइवर थे और रिटायर होने के बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में ड्राइवर का काम करते थे। वे राजस्थान के सीकर जिले के गाँव लोसल के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।